आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हो या नहीं, यह आपकी अपनी इच्छा है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप एक बात तो जरूर मानोगे कि आजादी के 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया को पूरी दुनिया जानने लगी है। जिस देश को एक वक्त कोई पूछता तक नहीं था, आज वो देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वर्ल्ड पावर बन गया है। इसका श्रेय हमारे देश के लोगों को ही जाता है, इसका श्रेय हमारी सरकार को भी जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आज तक के सबसे अच्छे और सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान गई थी। लेकिन इस हमले के जवाब में हमारी उस समय की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया था। ये हमारे देश के लिए इतनी शर्मनाक बात थी कि बाहर से आकर हमारे देश में घुसकर कोई हमारे इतने लोगों को मार गया, लेकिन हमारी सरकार बस बैठी रह गई। ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग लीडर्स एकदम अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। 2016 में इंडियन आर्मी के उरी बेस में 4 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 19 फौजी शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार हमारी सरकार के लीडर थे मोदी जी, तो सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर आर्मी ने 10 दिन के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक करके इस हमले का बदला ले लिया था। इसी तरह 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 फौजी शहीद हो गए थे। हमले के अगले ही दिन मोदी जी ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दी थी कि इस हमले का बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। और करीब 10 दिन बाद हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके इस हमले का बदला ले लिया था। इसी तरह की चीजें एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक वीक लीडर को अलग करती हैं। इतने सालों से जो हमारी सोच थी कि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, हम अहिंसा की राह पर चलेंगे, कोई आकर हम पर हमला कर भी जाएगा तब भी हम जो है शांति का रास्ता अपनाएंगे, ये गलत थी। पाकिस्तान से आतंकी आकर हमारे देश पर हमला कर देते थे, लेकिन हम बस बैठे बैठे देखते रहते थे, यूनाइटेड नेशंस के पास चले जाते थे कि देखो देखो क्या हो गया, इन्होंने हम पर हमला कर दिया वगैरह वगैरह। ये बात तो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ही कह दी थी कि ज्यादा अच्छे बन के ना घूमो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, गलत आदमी के साथ गलत ही करना चाहिए। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि जैसे के साथ तैसा ही करो, तो हमें पाकिस्तान से भी उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो भाषा वो समझता है, और ये बात मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है तो कांग्रेस की एक अलग आइडियोलॉजी है। पार्टी के लीडर्स उसी आइडियोलॉजी के आसपास रहकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम मंदिर की बात करें तो बीजेपी राम मंदिर को बनवाने के सपोर्ट में थी, जबकि आम आदमी पार्टी कहती थी कि मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना दो। यानी हर पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, इसमें कोई सही आइडियोलॉजी या गलत आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने इस आइडियोलॉजी के कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया है। आज अगर पीएम मोदी ये कह दें कि कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी है ही नहीं, तो कांग्रेस वाले पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की जिद में इतने ज्यादा मजबूर हैं कि उन्हें ये कहना पड़ेगा कि नहीं, बीजेपी ही सबसे अच्छी पार्टी है। आज के समय हमारे देश में कोई भी घटना होती है तो अपोजिशन वाले बस इस बात का इंतजार करते हैं कि पीएम मोदी इसके बारे में क्या बोलेंगे, ताकि पीएम मोदी जो भी बोलें अपोजिशन वाले उससे एकदम अपोजिट बोल सके। पीएम मोदी की सबसे खास बात जो उन्हें बाकी लीडर से अलग करती है, वो है उनका आम आदमी से डायरेक्ट जुड़ना। वो एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है मन की बात। हर महीने मोदी जी इस प्रोग्राम की मदद से रेडियो पर आम जनता से जुड़ते हैं, बात करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। कभी बच्चों के एग्जाम्स के बारे में, तो कभी किसानों की फसल के बारे में, इसरो के मिशंस, ड्रग एब्यूज, स्पोर्ट्स, योगा, आर्म्ड फोर्सेस, COVID-19 वगैरह वगैरह, हर चीज के बारे में बात करते हैं। उन्हें हर एज ग्रुप और हर सोशल ग्रुप के लोगों से जुड़ना आता है। आपने देखा होगा कि वो मेट्रो में चलते हैं, लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं, हर साल जवानों के साथ बॉर्डर पर दिवाली बनाते हैं, कभी स्कूल में जाते हैं, लोकल फेस्टिवल्स में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं उस जगह के लोकल कपड़े पहन लेते हैं। कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब हिमाचल प्रदेश के चंबा में गए थे, तो वहां की औरतों ने उन्हें एक ट्रेडिशनल ड्रेस चोला डोरा गिफ्ट में दी थी। मोदी जी ने उन औरतों को प्रॉमिस किया कि अगली बार जब भी वो किसी भी ठंडी जगह जाएंगे, इस ड्रेस को जरूर पहनेंगे। और जब मोदी जी केदारनाथ गए, तो उन्होंने चोला डोरा को पहनकर अपने प्रॉमिस को पूरा किया। उन्हें लोगों के इमोशंस समझ आते हैं,
साथ ही में उन्हें न्यूज में भी बने रहना आता है, और ये गलत नहीं है, जरूरी भी है। अगर वो न्यूज में नहीं बने रहेंगे तो हमारे देश के लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका प्रधानमंत्री कैसा है। कुछ समय पहले उन्होंने इंग्लैंड के बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड का एक एपिसोड शूट किया था। इस एपिसोड में लोगों ने मोदी जी का एक अलग ही रूप देखा था। हाल ही में वो नामीबिया से चीता ले आए जो कि हमारे देश में विलुप्त हो चुके थे। ये सब चीजें करके वो देश के एक खोए हुए इतिहास को जगा रहे हैं। आजकल मीम्स का जमाना है तो मोदी जी यहां भी पीछे नहीं रहे। आपने देखा होगा कि हर रोज उन पर नए मीम्स बनाए जाते हैं और मोदी जी खुद इन मीम्स को एंजॉय करते हैं। ये पबजी वाला है क्या? कुछ समय पहले मोदी जी ने खुद कहा था कि मीम्स बहुत क्रिएटिव चीज है और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग उन पर मीम्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मीम्स की मदद से उन्हें ये समझ आता है कि लोगों का दिमाग किस तरह काम करता है और इसकी मदद से वो लोगों से ज्यादा बेटर तरीके से जुड़ सकते हैं। एक लीडर की, एक सीरियस लीडर की यह पहचान है कि वो उन मुद्दों पर काम करता है जिन्हें नॉर्मली हर कोई इग्नोर कर देता है। सबको यही लगता था कि कुछ भी कह लो, आर्टिकल 370 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई हटा ही नहीं सकता, बेशक किसी की भी सरकार आ जाए। लेकिन 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने यह भी हटा दिया। कश्मीर का इतना बड़ा इशू जो इतने सालों से चल रहा था उसे फाइनली खत्म कर दिया। जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से 51,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आ चुके हैं कश्मीर में। ये फैक्ट्स हमने खुद नहीं बनाए बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में खुद बताए हैं। गवर्नमेंट और पुलिस दोनों की रिपोर्ट ये बताती है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। 140 करोड़ की जनता वाले देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का डेली रूटीन भी इसी तरह का है। उनका डेली रूटीन अगर आप फॉलो करने लग जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको सजा दे दी है। इन शॉर्ट वो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 12-1 बजे तक सोते हैं, यानी इन टोटल सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद। और याद रखिए, हम कोई 20-22 साल के नहीं बल्कि 72 साल के आदमी की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने गुजरात में एक इवेंट में बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का रूटीन कितना टफ है। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, वी वेंट टू अफगानिस्तान, वी रीच कतर दैट डे, स्पेंट वन नाइट, डिड आवर जॉब इन कतर, नेक्स्ट डे वेयर ऑन द प्लेन, रात को प्लेन में बिताया, वेंट टू स्विट्जरलैंड, डिड आवर जॉब, गॉट ऑन अ प्लेन, स्पेंट अनदर नाइट ऑन अ प्लेन, वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, spent one day there, went from there to Mexico the next day, got on a plane, spent one more night on a plane and came back to India. मोदी जी का डेली रूटीन बेंजामिन फ्रैंकलिन से काफी मिलता है, इनफैक्ट उनसे भी ज्यादा हार्ड है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं। मोदी जी का बाहर के देशों पर प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। ऐसा किसने सोचा था कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर होगा। जहां पहले इंडिया के बारे में बाहर के देश बात तक नहीं करते थे, वहीं आज मोदी जी ने ऐसा हाल कर दिया है कि इंडिया रेगुलरली इंटरनेशनल न्यूज में बना रहता है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर के चलते हुए मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवा दी थी ताकि यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी फोन किया। उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग वहां। 2014 की बात है जब मोदी सरकार को बने हुए कुछ दिन ही हुए थे। उस समय इराक में ISIS और इराकी आर्मी के बीच जंग चल रही थी। इराक के टिक्रित शहर में 46 इंडियन नर्सेस थी, तो हमारी सरकार ने उस खतरनाक सिचुएशन में इन सभी नर्सेस को वहां से सेफली निकाला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने इस रेस्क्यू मिशन के लिए ISIS से इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स भी बनाए थे। इस पूरे रेस्क्यू मिशन का बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारी उस समय की फॉरेन मिनिस्टर मिसेस सुषमा स्वराज को। 2014 में मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल रखा कि हर साल जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे बनाना चाहिए। इसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे 177 कंट्री ने सपोर्ट किया और फाइनली हर साल जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। मोदी सरकार ने योगा डे को सॉफ्ट पावर की तरह यूज किया है पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए। किसने सोचा था कि हमारे देश के कल्चर का बाहर की कंट्रीज पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बाहर के आम लोग भी मोदी जी को जानने लगे हैं। फेमस इंडियन, वेरी फेमस, ही इज अ पावरफुल लीडर। ओह यस, ही इज अ पावरफुल इंडियन लीडर। ही इज अ पावरफुल मैन, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। पावरफुल मैन, या आई नो। 2015 में लंदन के वेम्बली स्टेडियम में
एक स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का आइडिया पिच किया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करके सोलर एनर्जी यूज करने की तरफ बढ़ना। 121 कंट्रीज इस अलायंस का पार्ट है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि इंडिया को रशिया के खिलाफ बोलना चाहिए, पुतिन के खिलाफ बोलना चाहिए, रशिया के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए, लेकिन इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन रखा और बार बार यही कहा कि दोनों देशों को बातचीत करके इस मामले को सुलटा लेना चाहिए। लेकिन इनफॉर्मली तो इंडिया रशिया को सपोर्ट ही करती है, क्योंकि रशिया ऐसा देश है जिसने इंडिया का हमेशा साथ दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने हमेशा पाकिस्तान को वेपन्स बेचे हैं। पाकिस्तान को T-80 टैंक्स यूक्रेन ने ही दिए हैं। जब 1988 में इंडिया ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो यूक्रेन ने इंडिया के खिलाफ बोला था। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन मोर और लेस हमारे देश के खिलाफ ही बोलता है। इंडिया के गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस कुछ खास अच्छे कभी नहीं रहे, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट शुरू हो गया है। इंडिया और सऊदी के बीच डिफेंस रिलेशंस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, जो एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, इन्हें 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है आर्टिलरी गन्स बनाने के लिए। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ही वो कंट्री है जो इन गन्स को खरीदने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया में इन गन्स की टेस्टिंग हुई थी। जो लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, इंडियन टैक्सपेयर का इतना खर्चा होता है, कुछ फायदा तो होता नहीं है, आज हमारे देश के गल्फ कंट्रीज के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, ये चीज अचीव हुई है इन सभी ट्रिप्स की वजह से। उन्होंने पर्सनल लेवल पर वहां के लीडर्स से रिश्ते बनाए हैं। जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, तो मिडिल ईस्ट की एक भी कंट्री ने इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। ये पॉसिबल हुआ है मोदी सरकार की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की वजह से। इनफैक्ट यूएई और सऊदी की कंपनीज कश्मीर में पहुंच गई हैं वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यूएई ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। पैलेस्टीन ने द ग्रैंड कॉलर अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। सऊदी अरेबिया ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किंग अब्दुल्ला अजीज शाह मोदी जी को दिया है। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी की पावर को समझते हैं। हमें शायद ये एहसास भी नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारे देश को बाकी देशों से बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया है। हम आए दिन नई नई स्कीम्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन बड़ा बोरिंग सा लगता है। क्या है ये जनधन योजना और ये एलपीजी स्कीम्स वगैरह वगैरह? सुनने में तो ये चीजें सही में बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी वर्ल्ड क्लास स्कीम्स हैं। मोदी गवर्नमेंट ने जनधन योजना में 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलवा दिए हैं। इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए जब कोविन वेब पोर्टल बनाया, तो 76 कंट्री ने उसे यूज करने की रिक्वेस्ट की। ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि आप एक रेडी वाले को भी यूपीआई से पेमेंट कर देते हो, और कहीं नहीं होता। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया यूज करना चाहती है। पीएम मुद्रा योजना में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोन्स दिए जा चुके हैं छोटे छोटे बिजनेस करने वालों को। स्वच्छ भारत अभियान में गांव के इलाकों में 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। मोदी सरकार ने वर्ल्ड क्लास स्कीम्स बनाई है। हाँ, इन स्कीम को जब एक्चुअल में लागू किया जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी जिन लोगों तक इन स्कीम्स को पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी सुधर रही हैं। पीएम मोदी की पावरफुल इमेज का क्रेडिट उनके बैकग्राउंड को भी जाता है। वो गुजरात के वडनगर में पैदा हुए, बचपन में पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया, पूरे देश में घूमे, साधु संतों के बीच रहे, आरएसएस में काम करा, फिर बीजेपी ज्वाइन करी, वहां से पार्टी में उनकी रैंक बढ़ी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और फाइनली देश के प्रधानमंत्री बने। उनका जीवन ऐसा नहीं था कि वो किसी रईस घर में पैदा हुए हों और बस उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया गया। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद जाकर वो बने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत पावरफुल लीडर हैं, और ऐसे बहुत चांस हैं कि आने वाले टाइम में काफी सालों तक इस तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।